जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। हनुमान जी के जन्म स्थान की वास्तविक गुफा, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हनुमान जी का जन्म स्थान है। और बड़े दुख की बात ये है कि हनुमान जी के जन्म स्थान को आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। झारखंड के गुमला जिले के पास एक पर्वत है जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान बताया गया है। गुमला जिले से ये पर्वत तकरीबन 21 किलोमीटर दूर है और इसे अंजन धाम बोला जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इस धाम का नाम माता अंजनी के नाम पर रखा गया है। और इस पर्वत के नीचे एक बहुत ही बड़ी गुफा है और बोला जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ है। माता अंजनी भी यहीं पर निवास करती थी। आप अगर यहाँ हनुमान जी के जन्म से संबंधित सबूत खोजना शुरू करेंगे तो आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे सबूत मिलेंगे। ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी के जन्म से पहले माता अंजनी काफी सारी शिवलिंग की पूजा किया करती थी और ये शिवलिंग नदी में स्थापित बताए जाते हैं। इन शिवलिंग की संख्या तकरीबन 360 बताई जाती है और माता अंजनी हर दिन शिवलिंग की पूजा किया करती थी। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। और ऐसा माना गया है कि इस मंदिर के नीचे गुफा है जिसकी रखवाली एक सांप कर रहा है और ये सांप लोगों को गुफा के अंदर जाने से रोकता है। वहाँ के जानकार मानते हैं कि इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के आदिवासी लोगों ने एक बार माता को खुश करने के लिए बकरे की बलि दी थी। इस बात पर माँ अंजनी ने क्रोध कर लिया था और तभी से ये गुफा बंद है और इस गुफा में अचानक एक सांप आ गया जो लोगों को अंदर आने से रोकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पंपापुर नामक सरोवर भी है जिसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने स्नान किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।